इसरो पर हमारी इस विशेष श्रृंखला के इस एपिसोड में हम 1980 और उसके बाद के रोमांचक दशक पर एक नजर डालेंगे। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा से लेकर 2014 के मंगलयान मिशन के तहत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने तक भारत ने इसरो द्वारा हासिल की गई कई उपलब्धियों को देखा है। इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं के बीच भारत ने संचार और मौसम निगरानी उद्देश्यों के लिए पृथ्वी की कक्षा में 15 से अधिक इनसैट उपग्रहों के एक समूह को स्थापित करने में क्षमता निर्माण हासिल करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने कई लागत प्रभावी और विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपण की प्रणालियां भी विकसित की हैं, जिसमें सुदृढ़ प्रक्षेपण क्षमता और प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष में पहुंच बनाने वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल कर दिया है, जिसमें 15 फरवरी 2017 को इसरो के PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन C-37 ने एक ही मिशन पर 104 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। We have now number of communication satellites. हमारे पास कई संचार उपग्रह हैं, जिन्हें हमने बहुत उन्नत तरीके से बनाया है। इनमें इनसेट 4, इनसेट 5 और इनसेट 6 हैं, जो कि विभिन्न आवृत्तियों और क्षमताओं में भी काम कर सकती हैं। इस तरह के उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण की दिशा में हमने GSLV Mark 2 और Mark 3 विकसित किया है, जो विशेष रूप से नेविगेशन और संचार के लिए उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड इसकी सफलता खुद बयान करता है। PSLV, GSLV और चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशनों की सफलता ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके कई अनुप्रयोगों के मामले में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाकर मजबूती प्रदान की है और सशक्त बनाया है। भारत अब संचार, प्रसारण, नेविगेशन और मौसम प्रणाली जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है। हम कई अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और महत्वपूर्ण रूप से उपग्रह प्रक्षेपण प्रणालियों की एक श्रृंखला में आत्मनिर्भर बन गए हैं और इनका उपयोग अब कई अन्य देशों द्वारा भी किया जाता है। दरअसल इसरो ने 34 देशों के लगभग 350 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित किया है। इसरो अब भारी लिफ्ट लॉन्च वाहनों, मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं और संभवतः भविष्य में एक अंतरिक्ष स्टेशन को विकसित करने के साथ भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारा ये एपिसोड भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और इसरो को समर्पित है। इसके अलावा हम भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर।